नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्य की बड़ी खबरें। बारिश के मौसम में चंडीगढ़ वासियों को बिजली का झटका लगा है। घाटे से जूझ रहे नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए अपने एरिया में बिजली के इस्तेमाल पर टैक्स लगा दिया है। अब शहर वासियों को बिजली 10 पैसे प्रति यूनिट महंगी मिलेगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित सरकारी स्कूल के बाहर खड़े एक ऑटो पर अचानक बड़ा सा पेड़ गिर गया। इससे ऑटो में बैठे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। मृतक की पहचान मलोया निवासी नरेश कुमार के रूप में हुई है। हरियाणा की अंबाला सेंट्रल जेल में कैदियों में गैंगवार की खबर है। इस गैंगवार में 50 से अधिक कैदी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लॉरेंस व बूपी राणा गैंग के बीच ईंट व पत्थर चले। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने शुक्रवार को नशे के खिलाफ एक साथ लड़ने के मुद्दे पर बातचीत की। मीटिंग के बाद कैप्टन ने खट्टर को गीता की एक पत्री और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। जलंधर के चोलांग रेलवे स्टेशन चौकी में होमगार्डों ने नाबालिग से किया बलात्कार। मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपियों को जमकर पीटा। पुलिस ने किया मामला दर्ज। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश का असर बाखड़ा डैम के पीछे बनी विशाल गोविंद सागर झील में देखने को मिल रहा है। बीते वर्ष के मुकाबले इस बार गोविंद सागर झील में 112 फुट पानी अधिक है, जिससे बीबीएमबी मैनेजमेंट के चेहरे खिले हुए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों की तर्ज पर अब हिमाचल में खाने के सामान के दाम भी रोजाना तय होंगे। अगर बाजार में उछाल आता है तो दाम बढ़ जाएंगे और बाजार में गिरावट आती है तो दाम गिर जाएंगे। हिमाचल सरकार हिमाचल रोडवेज में 1295 चालक और परिचालकों की भर्ती करने जा रही है। इसमें 785 चालक और 500 परिचालक रखे जाएंगे। परिचालकों की लिखित परीक्षा का जिम्मा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। दिल्ली के एक बैंक में कर्मचारियों की मिली भगत से 4.24 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। खुद को एमसीडी कर्मचारी व टीचर बताकर करीब 62 लोगों ने खाते खुलवा कर बैंक से लोन और क्रेडिट कार्ड कर लिए। बाद में बैंक का एक भी रुपया वापस नहीं किया गया। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह खड़े होने वाले रिक्शा के कारण लगने वाले जाम से जल्द निजात मिलेगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को दिल्ली में 511 नए ऑटो स्टैंड बनाए जाने की घोषणा की है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे पांच राज्यों की नई खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।